देखिए दोस्तों, इस सीलिंग पंखे का सब कुछ ओके है, लेकिन यह चलने पर खचर खचर की आवाज़ करने लगता है। कभी कभी तो यह जाम होकर रुक भी जाता है। इस सीलिंग पंखे को घुमाकर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसका जो बैरिंग है वह बिल्कुल सही है और इसके कनेक्शन तार को भी मैंने चेक किया है। इसका वाइंडिंग भी ओके है, लेकिन यह पंखा फिर भी चलने पर खचर खचर चूं चूं की आवाज़ करने लगता है। तो आखिर इस पंखे में क्या प्रॉब्लम है कि यह खचर खचर चूं चूं की आवाज़ करता है? देखिए दोस्तों, यह पंखा बिल्कुल फ्री घूम रहा है और इस पंखे में किसी भी तरह का कोई साउंड भी नहीं है, लेकिन जब हम इस पंखे में सप्लाई देते हैं तो यह आवाज़ करने लगता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पंखे में किस वजह से आवाज़ आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, इस पंखे का जो शाफ्ट है यह बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। मतलब साफ है दोस्तों कि इस पंखे में स्प्रिंग नहीं लगा हुआ है। तो स्प्रिंग न लगने के कारण ही इस पंखे में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। अगर इसमें स्प्रिंग लगा होता तो इसका जो शाफ्ट है यह हल्का सा ऊपर नीचे होता। स्प्रिंग लगाने से पंखे का बैलेंस जो है सही रहता है दोस्तों। बहुत से मिस्त्री भाई लोग जब पंखे की फिटिंग करते हैं तो स्प्रिंग लगाना जरूरी नहीं समझते हैं और कोई कोई तो स्प्रिंग लगाना ही भूल जाते हैं, ऐसे ही पंखे की फिटिंग करके दे देते हैं। ऐसे में पंखा तो कुछ समय तक सही चल जाता है, लेकिन बाद में कुछ दिन चलने के बाद वह पंखा प्रॉब्लम करने लगता है। पंखे में स्प्रिंग न होने के कारण ही सीलिंग पंखा खचर खचर की आवाज करता है। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें पंखे में स्प्रिंग कहाँ पर लगाना होता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो स्टेटर होता है इसके निचले साइड में हमें यहाँ पर स्प्रिंग लगाना होता है। इस तरह का स्प्रिंग आता है, इसे हमें शाफ्ट में लगाना होता है। इस स्प्रिंग को आप उल्टा सीधा कैसे भी लगा सकते हैं। देखिए, इसे इस तरह से यहाँ पर लगाना होता है। बहुत से लोग इसे लगाना जरूरी नहीं समझते हैं, इस कारण से पंखे में कुछ दिन चलने के बाद प्रॉब्लम आने लगता है। तो दोस्तों, आप जब भी सीलिंग पंखा की फिटिंग करें तो उसमें स्प्रिंग जरूर से लगाएं, क्योंकि आप स्प्रिंग को नहीं लगाएंगे तो आपको बाद में परेशानी हो सकता है। आपको अगर आज का मेरा यह इन्फॉर्मेशन वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।